प्रणाम सुंदर शाह जी, पिछले वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 5 की प्रथम 10 चौपाइयों का पाठ किया, तो आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। कोई सखी रे होती पिरसणे, हाथ थाली पिरसे छे धान, एने समय वेण थई वल्लभनी, पड़ी गई थाली ते तान। कोई सखी भोजन परोसने में लगी हुई थी, हाथ में थाली लेकर पकाया हुआ धान परोस रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की वंशी बजी और भावावेश के कारण हाथ से थाली गिर पड़ी। कोई सखी रे एने समय निसरता, एक पग भांडा रे माहे, बीजो पग पतना रुदे पर, एनी दृष्टे न आव्यू रे कोई क्या है। इस अवसर पर घर से निकलते हुए किसी सखी का एक पांव भोजन के पात्र में पड़ गया तो दूसरा पांव पति की छाती को छू गया, क्योंकि वंशीनाद सुनते ही उसकी दृष्टि में सांसारिक वस्तुएं नहीं आई, अर्थात वह अपनापन खो बैठी थी। कोई सखी रे वेगे व छूटता, पड़ियो हड़ फेटे ससरो त्या है, आकार वह रे घणवे उतावला, चित जई बैठू वाला जी माहे। कोई एक सखी उतावली होकर निकलते समय अपने ससुर को साथ टकरा गई तो वे गिर पड़े, क्योंकि उस सखी का शरीर द्रुत गति से वहां पहुंचना चाहता था और चित पहले से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। माता पिता पत सासु ससरो, रोवंता न सुनिया रे बाल, वाय ने वेगे रे व छूटियो, वेण सांभलता तत्काल। इन व्रज गोपिकाओं ने माता पिता पति सास ससुर और अपने रोते हुए बच्चों को भी परवाह नहीं की। वंशी की ध्वनि सुनते ही वे तत्काल पवन वेग से निकल पड़ी। वस्त्र विना सखी जे नाहती, तेणे नव संभार्या रे अंग, वेण सांभलता रे वाला तणी, एणे वेग मन की धोरे भंग। जो सखी कपड़े उतार कर स्नान कर रही थी वह अपने अंगों को संभाल न सकी। प्रियतम धनी के वेणुनाद को सुनते ही उसने अन्य सखियों की गति में भंग नहीं होने दिया, अर्थात वह भी उसके साथ उसी गति से चलने लगी। कोई सखी रे होती नवरावती, हाथ लोटो नामे छे जल, श्रवणी श्रवण पड़ियो लोटो अंग पर, न बोलाणो चितड़े व्याकुल। कोई एक सखी स्नान करवा रही थी, हाथ में लोटा लेकर पानी डाल रही थी। वंशी की सुमधुर ध्वनि सुनते ही पानी का लोटा पति के अंग पर गिरा। व्याकुल चित होने के कारण मुख से कुछ भी बोल न सकी। गोपदक बछरे एणे समय, सुख जिए निर्धार्यो तेसार, त्राटकड़े रे त्रटका करिया, काई बंधना हता ते संसार। इस प्रसंग को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में गोवत्स पद कहा है। जिस प्रकार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह में भरे हुए पानी को लांघने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार संसार सागर को पार करने में गोपियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। संसार के सभी बंधनों को उन्होंने तिनके के समान तुच्छ समझकर टुकड़े टुकड़े कर डाले।
संसार तणारे काम सर्वे करता, पण चित मन भेद्यो रे पास, विलंब न कीधी रे व छूटता। ए तामसियो नो प्रकाश, यद्यपि गोपियां सांसारिक कार्य कर रही थी तथापि उनके मन में संसार का लेस मात्र भी मोह नहीं था, इसलिए माया के बंधनों को तोड़कर मुक्त होने में उन्हें थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। ऐसी गतिविधि स्पष्ट रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों की थी। कोई सखी रे श्रृंगार करता, सुनी तेने वेण श्रवण, पाए न भूषण काने पहरिया, कान तनारे चरण। अनेक सखियां श्रृंगार कर रही थी, उनके कानों में जब वंशी की ध्वनि पड़ी तो शीघ्रता में चरण के आभूषण कान में और कान के आभूषण पांव में पहन लिए। एक नैणे रे अंजन करियूं, बीजो रह्यो रे एम, वेणनो स्वर सांभलिया पछी, राजसीयो रहे रे केम। एक आँख में अंजन किया तो दूसरी आँख बिना अंजन की ही रह गई। वंशी की ध्वनि सुनने के पश्चात राजस स्वभाव वाली सखियां घर में कैसे रह सकती थी। प्रणाम जी।